नमस्कार जय। आज का जो टॉपिक है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कि किस प्रकार से महाद्वीपों का विस्थापन एक दूसरे से होता है। महाद्वीप किसे कहते हैं हम? महाद्वीप आज से कार्बोनिफ्रस जो एक युग था, कार्बोनिफ्रस युग में क्या था कि जितने भी ये महाद्वीप है ना, ये जो नीला है ये जल है, और जितने भी ये है ये महाद्वीप, ये सारे महाद्वीप कार्बोनिफ्रस में पहले क्या थे? एक थे। और इसी स्थल खंड जब पहले एक थे तो इसे कहते हैं महाद्वीप कॉन्टिनेंट, और उसका नाम क्या था? पेंजिया। इस पेंजिया की जो चारों ओर घेरे हुए था जल था, इसको कहते थे हम पैंथलासा। तो वर्तमान में पैंथलासा का जो अवशेष है वो प्रशांत महासागर है, और वर्तमान में जो पेंजिया के अवशेष है उसको कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, ये वर्तमान। तो कार्बोनिफ्रस में जो एक भूखंड था जिसको हम पेंजिया कहते हैं, जिसको चारों ओर क्या था? पैंथलासा नाम का महाद्वीप था। अब होता क्या है कि ट्रियासिक युग के अंत में इन दोनों में विभाजन, क्या कहते हैं, पेंजिया का विभाजन होता है। तो पेंजिया के दो टुकड़े होते हैं, एक उत्तर में था उसको हम अंगारा कहते हैं, और जिसको दक्षिण में थी वो प्लेट उसको कहते हैं हम गोंडवाना। अंगारा के तीन टुकड़े होते हैं कब? अब होता ये है, अंगारा जिसको हम लॉरेशिया भी कहते हैं, ठीक है, मतलब जो उत्तर में प्लेट थी, और बीच में था टैथिस भूषण नदी, टैथिस भूसागर था। उत्तर में अंगारा, दक्षिण में गोंडवाना, के बीच में टैथिस सागर था। अब साढ़े छह करोड़ वर्ष के अंत तक क्या होता है कि जो अंगारा थी इसके तीन टुकड़े होते हैं। तीन टुकड़े कौन कौन से? वर्तमान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये उत्तरी अमेरिका, आज यहाँ है, उस समय नहीं था, या इस वाले एरिया में था। उत्तरी अमेरिका, ये यूरोप आता है अपना, ये यूरोप, और ये पूरा है एशिया, ठीक है ना, एशिया। ये तीन टुकड़े किसके थे? अंगारा के थे। जबकि दक्षिण में जो प्लेट थी इसके पांच टुकड़े हुए, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, क्राइबियन, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से पांच टुकड़े किसके हुए? ये गोंडवाना के, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब क्या होता है? अब ये जो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है पहले इधर था, अब क्या हुआ कि ये इस तरफ खिसके, और जैसे ही ये पश्चिम की ओर खिसके, ठीक है, तो अटलांटिक महासागर का निर्माण होता है, जो एस आकार में बना हुआ है। अटलांटिक महासागर जो कि महासागरों में दूसरा बड़ा महासागर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे ही जब पश्चिम की ओर खिसके तो किस तरफ? इस तरफ की ओर आ रही है। तो क्या हुआ यहाँ पर? एंडीज का निर्माण हुआ साथ ही साथ उसी दौरान, और यहाँ पर रॉकी का निर्माण हुआ। यहाँ रॉकी है, रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, और एंडीज कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में है, जो कि एंडीज क्या है? इसकी सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है, इनको कालीडेरा कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद प्रायद्वीप भारत जहाँ यहाँ है, पहले कहाँ पर था? प्रायद्वीप भारत पहले इस वाली एरिया में था, और ये उत्तर की ओर खिसकी ये प्लेट, ठीक है, उत्तर की ओर प्लेट जो खिसकी है, तो यहाँ पर हिंद महासागर का निर्माण होता है। तो हिंद महासागर का निर्माण कैसे होता है कि प्रायद्वीप की ये भारतीय प्लेट उत्तर की ओर खिसक सकती है, तो हिंद महासागर का निर्माण होता है, और जैसे ही प्रायद्वीप की प्लेट एशियन प्लेट से टकराती है तो हिमालय की उत्पत्ति होती है, एक ठीक एक कहा जाता है। अच्छा, ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ये 1912 में इसका प्रतिपादन वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से पेंजिया और पैंथलासा बने, ठीक है, पेंजिया पैंथलासा का विभाजन हुआ। अच्छा, इसके बाद जो पेंजिया था इसके तो ठीक है दो टुकड़े हो गए, अंगारा और गोंडवाना, अंगारा के तीन टुकड़े हो गए, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, गोंडवाना के पांच टुकड़े हो गए, कौन कौन से? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, भारत, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, इसके बाद अब है क्या कि जो महाद्वीप है इसके नीचे महाद्वीप प्लेट है जो कि सियाल से निर्मित है, सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है, जो किस पर तैर रही है? सीमा नामक जो प्लेट है उस पर तैर रही है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। सीमा नामक जो सीमा जो है, मतलब महाद्वीपीय प्लेट है, इस पर तैर रही है, ठीक है। तो जो महाद्वीप है, सॉरी महासागर है, इस पर वो तैर रही है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? सीमा नामक से हुआ, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये महाद्वीपों का विभाजन होता है, इसे हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं।
ठीक है। अगले टॉपिक में लेके आएंगे हम प्लेट विवर्तन के सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे पृथ्वी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में होगा, कमेंट आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।